सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आज से रोमेलिया के वाली आप हैं, आपको तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौज़म। लीजिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। बाबा खुद नीचे क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते। और तुम ये मुझे अब बता रहे हो? महमूद पाशा ने हमें मैसन लोगों के नामों की फहरिस्त भेजी है, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं जिस तक हम पहुंच सके हों। महमूद पाशा ने कहा है कि वो हमें उन नामों के बारे में बताएंगे जिन्होंने नौजवान तुर्कों के इजलास में शिरकत की। तुम अपनी सोच और अपना रास्ता अलग कर लो, वो रास्ता जिसमें रियासत की वफादारी हो। बगावत करना सबको नुकसान पहुंचाएगा। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमें क्या हुआ था? गिर गई थी, गिरने से आपके सर पर चोट आ गई थी। गोली मेरी कमर पर मारी गई। यानी आप पर पीछे से वार किया गया? जी, हमें एक जगह के बारे में खुफिया मालूमात मौसूल हुई, उस जगह का गलत इस्तेमाल हो रहा था। हमने आइन के इतलाक के लिए कोशिश तो की है, इंशाल्लाह सुल्तान मौजम भी इसकी हिमायत करेंगे। सुल्तान मौजम बदमनी फैलाने वालों के खिलाफ जिद्दोजहद करने के साथ साथ खिदमात मुहैया करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आवाम को तवक्को है। अल्लाह सुल्तान मौजम की उम्र दराज फरमाए। मैं एक एक करके तुम सबको तलाश कर लूंगा। दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर हमारे खात्मे के मुंतजर हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हम आईनी निजाम का निफाज करके दुश्मन के मकासद तो पूरे नहीं कर रहे। अब परेशान मत हो फातिमा सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है कि आलिया सुल्तान को होश आ गया है। वो मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं, समझी? फिक्र मत करें। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस अब वो सहतियाब हो जाए और उन्हें सब याद आ जाए। बेफिक्र रहिए, उन्हें अभी तो होश आया है फातिमा सुल्तान, इसलिए उन्हें बात करने में मुश्किल हो रही है। मेरी साहिबा आई है सुल्ताना, बुला लीजिए। खुश आमदीद मेरी साहिबा, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप लोग और आलिया सुल्तान की सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें होश आ गया है। क्या वाकई? बहुत खुशी हुई मुझे। क्या आपने बात की उनसे? फिलहाल नहीं, आलिया फिलवक्त बात करने की हालत में नहीं, वो कुछ उलझी हुई हैं। आप आलिया का अहवाल जानने के लिए तशरीफ लाई हैं?
दरअसल सुल्ताने मौजम ने मुझे मेरी किताब के बारे में तबादला ख्याल के लिए बुलाया है, इसीलिए आई हूँ मैं। मेरी साहिबा, हम मुतजस्सिस हैं, आपने इस तरह की खबर क्यों शाया करवाई? क्या अब आपकी अगली खबर ये होगी कि हमने विक्टर को कत्ल कर दिया है? मैं एक सहाफी हूँ सुल्ताने मौसम, एक ईमानदार सहाफी। मैं उन हालात और वाकयात के बारे में लिखने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती जिनकी मैं खुद गवाह हूँ। जहाँ तक विक्टर साहब की मौत का, बेफिक्र रहिए, जिसने भी उसे मारा है हम जल्द उसे तलाश कर लेंगे। अगर हकायक का जान लेना आपके लिए इतना ही अहम है तो हम आपको बता देते हैं कि आपकी असल हकीकत क्या है। क्या आप सुनना चाहेंगे? आपने वो खबर बनाई क्योंकि आपके बाबा ने यह हुक्म दिया था। यानी आप मेरे बाबा? आपके यहां पहुंचने के पहले दिन से हम जानते हैं कि आप कसल की बेटी हैं। तो आपको मालूम था कि मैं कौन हूं, तो इसीलिए आपने मुझे यहां कैदी के तौर पे रखा। मेहमान नवाजी तो बस बहाना था ताकि मेरे बारे में फैसला करके मुझे जंदान में डाल दिया जाए। क्या आप मुझे कोई सबक सिखाना चाहते थे? मेरी साहिबा, हमने सोचा कि आप एक सहाफी होने की हैसियत से, जैसा कि आप दावा करती हैं, हमें जानने, हरम की जिंदगी और पाए तख्त के निजाम को देखने के बाद जो लिखेंगी हकीकत ही लिखेंगी। लेकिन हम गलत थे मेरी साहिबा। विक्टर को जहर हमने नहीं दिया, हमने उस पर तशद्दुद किया और ना ही कत्ल किया, हालांकि उसने हमारी मलिका की जान लेने की कोशिश की थी। आपका तासब एक पर्दा है जो आपके जहन को तारीख करता है और आपकी बसीरत को ढांप लेता है। इसने आपको दाएं बाएं से कैद कर रखा है मेरी साहिबा, यानी आप पहले ही एक तारीख जिंदान में कैद हैं। बाहर की हकीकत को देखने और सुनने से माजूर और पूरी तरह कासिर हैं मेरी साहिबा। हमें आपको कैद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहे महल छोड़कर जा सकती हैं। तो आप पाया तख्त से कब जा रही हैं फिर? कल सुबह। अगर आप इजाजत दें तो आलिया सुल्तान से मिलना चाहती हूं। ये कुछ मुनासिब नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो आखिरी बार जब मिली थी तो आपके दरमियान कोई तनाजा हुआ था। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आलिया के मिजाज पर कुछ भी गरा गुजरे। माफ कीजिएगा मेरी साहिबा। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं। नाजिम ने शमसी पाशा को हमारी जगह के बारे में मालूमात दे दी हैं। वो छापा मारने वाले हैं। ये मुझे नाजिम को छोड़ने जाते हुए मालूम हुआ। उन्होंने मुझे मदद करने के लिए चौकन्ना रहने को कहा है। किस जगह के बारे में बताया है? बेअस्कुले कैवा खाने के करीब वाला घर। उसे उस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ? मुझे मालूम नहीं, किसी ने मुखबरी की थी। नाजिम को गोली लगने से पहले हम वहीं छापा मारने जा रहे थे, मगर उनका ख्याल है कि वो सिर्फ एक मुलाकात की जगह है। अगर वो मर जाता तो किसी और को खबर ना होती। उनका ख्याल था कि वो एक मुलाकात की जगह है, लेकिन अब वो जान जाएंगे कि वहां खजाना है, क्योंकि रुमेलिया की बगावत के तमाम मंसूबे वहीं हैं। अगर हम छापे से पहले वो जगह खाली नहीं करते तो शमसी पाशा को सब मालूम हो जाएगा। अभी वो कहां है? मुझे नहीं मालूम, मैंने जैसे ही इस बारे में सुना मैं यहां आ गया। हो सकता है अब तक उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी हो। मैं उनके साथ उस जगह पर जाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा वो खुफिया अलमारी तक ना पहुंचे। और अगर वो वहां पहुंच गए, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। घर से निकलने के बाद मैं तुम पर नजर रखूंगा, मुझे इशारा दे देना। मेरे शेरो, हम कहां जा रहे हैं ये एक मुअम्मा है। हम ये भी नहीं जानते कि वहां क्या चीज हमारा इंतजार कर रही है। हम नहीं जानते वहां मौजूद लोग मुसल्ला होंगे या नहीं।
हम नहीं जानते वो कितनी तादाद में है, लेकिन ये बात यकीनी है कि वो जगह रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों की अमाजगा है। लेकिन उन्हें मारना हमारा आखिरी इकदाम होगा। असलहा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले उन लोगों से मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे। जो आपका हुकुम पाशा। आ जाएं। पाशा। आइए कानी साहब, बैठ जाइए। आखिर मामू जान ने इजलास में शामिल होने वाले तमाम नाम हासिल कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि आप इसे सुल्ताने मौज़म को भेज दीजिए। मैं अभी भेज देता हूँ। वो चाहते हैं कि आप भी तैयार रहें। सुल्ताने मौज़म आपको इजलास में शामिल होने वाले लोगों के बारे में कोई अहम फरीजा सौंप सकते हैं। मैं हमा वक्त तैयार हूँ। महमूद पाशा को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम, मैं कह दूंगा। आप क्या खाना चाहेंगी आलिया? हम अपने हाथों से आपके लिए बनाएंगे। हम कितने दिन बेहोश रहे? काफी दिन बेहोश रही। कितने दिन? तकरीबन 3 माह तक बेहोश रही थी। आप चकराकर गिर गई थी। गिरने से आपके सर में चोट लग गई थी। क्या यही सच है आलिया? आप मेरी साहिबा के कमरे में थी और आप वहां क्यों गई थी? हमें कुछ भी याद नहीं। ठीक है, आप खुद को मत थकाइए, वक्त गुजरने के साथ सब याद आ जाएगा आपको। सुबह बख़ैर। मैं जाने से पहले जुहाल का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। हरम में मेरी बीमारी के दौरान इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। ये मेरा फर्ज था मेरी साहिबा। बहुत शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं। क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा जुहाल साहिबा? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुमने तो कहा था आलिया सुल्तान ठीक नहीं हो पाएगी। उसे होश आ गया है, लेकिन अभी वो बात नहीं कर पा रही। उसने किसी को कुछ बताया? अगर बताया होता तो हम पकड़े जा चुके होते। उसे कुछ याद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा। मुझे आज शाम अब्दुल हमीद से मुलाकात करनी है, उसके बाद मैं फौरन यहाँ से चली जाऊँगी। तुम भी यहाँ मत रुकना, बल्कि चाहो तो कल ही मेरे साथ पेरिस चलो। उसके बाद तुम जहाँ चाहे चली जाना, लेकिन तुम दोबारा पाया तक कभी वापस मत आना। भाई बंदूक नीचे करो फौरन। पाशा, नाज़िम पाशा ने मुझे छापे के बारे में बताया था। मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने का हुक्म दिया था। ठीक है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हमें अंदर की सूरत हाल का अंदाजा नहीं है। आंखें खुली रखना। टेलीग्राफ के दफ्तर जाओ और फौरन ये पैगाम फिरजोविक को भेज दो। हाँ, याद रहे, टेलीग्राम भेजने के बाद इस सफ़े को फौरन जला देना। तहलीक होने वाली सियाही का इस्तेमाल किया है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ठीक है। रुको ज़रा, ये भी ले जाओ।
अगर कोई भागने या हमला करने की कोशिश करे तो उसकी टांग में गोली मारना। चलो, अल्लाह हमारा मददगार हो। ऊपर करो अपने। चलो जल्दी करो। पिस्तौल ले लो इससे। पिस्तौल दो अपनी। चलो जल्दी करो, पिस्तौल दो। कोई हरकत ना करे वरना गोली मार देंगे हम। कमरे की तलाशी लो, जो भी मिले मुझे दिला दो। आगे बढ़ो, आगे। ये क्या है पाशा? गद्दारी का सबूत है। सुल्तान मौजम को खबर करनी होगी। सिपाही बग्गी लाओ फौरन। आप लोग तहकीकात जारी रखें। चलो। मैं बहुत खुश हूं कि सुल्ताने मौजम ने मुझे इशाइये की दावत दी। सुल्ताने मौजम ने आपकी किताब पर तबादला ख्याल के लिए आपको मदु किया है। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। शाम बखैर। शाम बखैर। सुल्ताने मौजम, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। सच तो यह है, आपने किताब में जो कुछ लिखा है उसने हमें हैरत में मुब्तला कर दिया। अखबारात में हमारे खिलाफ मज़ामीन लिखने के बाद अब आपने हमारे लिए तारीफी कलिमात लिखे। आप इससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हैं। आपसे मिलने के बाद असल हकायक मेरे सामने आए। आपने ठीक कहा था, मेरे तासुब ने मेरे ख्यालात को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। आपने बेदार कर दिया मेरे शऊर को। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आप एक ज़हीन खातून हैं मेरी साहिबा। क्या आप जानती हैं कि कुरान में अकल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, ताकुल आया है। क्योंकि अकल तब तक बेकार है जब तक इसे तखलीक के असल मकसद के मुताबिक इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हम दूसरों के ख्यालात की अंधी पैरवी करें तो हम जानवरों के उस रेवड़ के मानंद होंगे जिससे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर हम अपनी सोच को दूसरों का गुलाम बना लें तो खुद सोचने समझने से कासिर होकर अपने आस पास की हकीकत को कभी कबूल नहीं करेंगे। हमारे दिलो दिमाग मफलूज होते चले जाएंगे। हमें जालिम और मजलूम, सच्चाई और गुमराही में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। असल में आजाद वही शख्स है जो अल्लाह के बताए हुए सच्चाई के रास्ते पर कायम रहे। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया सुल्तान की तबीयत अब बेहतर हो रही है। कुछ ही दिन में वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अल्लाह का शुक्र है, सुल्ताने मौजम उनके लिए बहुत परेशान थे। इंशाल्लाह अब वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। आप लोगों ने भी उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। ये कहवा पी लीजिए, इसे पीने से आपको काफी सुकून मिलेगा। बहुत शुक्रिया। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा ने कांग्रेस में शरीक लोगों के नाम भेजे हैं। आफरीन, आफरीन। कैसे हो सकता है? क्या हुआ है पाशा? गद्दारों ने मिट जाने वाली स्याही का इस्तेमाल किया है। मुझे ये सब याद करना होगा। मैं आपकी मदद करता हूँ पाशा। जरूरत नहीं बेटा, ये मालूमात रियासत के राज है। स्याही के मिटने से पहले मुझे सुल्तान मौजम तक ये मालूमात पहुँचानी है। इसकी मदद से तमाम फसादात को रोका जा सकता है। बेटा जल्दी टेलीग्राफ दफ्तर ले चलो फौरन। हमारी तारीख बदल जाएगी इंशाल्लाह पाशा।
भागने मत देना। पाशा, पाशा क्या आप ठीक हैं? पाशा, आपको किससे मिलना है? जुहाल को तलाश कर रही थी मैं। उन्हें अलविदा कहना चाहती थी महल से रवाना होने से पहले। आलिया सुल्तान की खास तबीबा की आज तबीयत कुछ नासाज थी। उनकी जगह जुहाल आलिया सुल्तान की दवा लेकर गई हैं। क्या वो आलिया सुल्तान के पास गई है? आलिया सुल्तान, आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम ठीक हैं। आपकी दवा का वक्त है। क्या विक्टर ने अपने लिए काम करने वाले मुहाफिज और खादिमा को नहीं मारा था? स्टेफानो को भी इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने गद्दारी की। कैसी गद्दारी? वो आलिया सुल्तान से मोहब्बत कर बैठा था, यहाँ से भागना चाह रहा था, इसीलिए हमने उसे भी मार दिया। सुहाल, मेरा नाम याद है? ये सब तुमने किया? स्टेफानो और विक्टर को तुम लोगों ने मारा? स्टेफानो को मैंने नहीं मारा, मगर विक्टर को मैंने ही मारा था। वो सब कुछ बता सकता था, इसीलिए मारा उसे। हमारे करीब मत आना। अभी हमें पायतख्त में बहुत कुछ करना है। कोई मदद करे। मैं आपको भी जिंदा नहीं छोड़ सकती। कोई हमारी मदद करे। बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा आपकी आवाज। छोड़ो हमें, हटाओ इसे पीछे। आलिया सुल्तान और फातिमा सुल्तान को खबर करो, फौरन आलिया सुल्तान के कमरे में आए। दूर रहो, हमसे दूर रहो, छोड़ दो हमें, मत करो ऐसा, छोड़ो। सुहाल, छोड़ दो इन्हें। मेरी साहिबा। सुहाल, मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। मुझे दिया गया हुक्म पूरा करना है। सुहाल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सुहाल, मैं तुम्हें हरगिज़ भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हाथ छोड़िए मेरी साहिबा। ये सब क्या हो रहा है? आलिया, 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 माँ जी, ओ मेरे खुदा, कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, वो शमसी पाशा को गोली लगी है। कैसे लगी? अब हालत कैसी उनकी? वो शहीद हो गए सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, फसादात में तेजी आ चुकी है। वो इलाका आयन आयन के नारों से गूंज रहा है। आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल चुकी है। वो एक अजीम इंसान थे, एक और बहादुर, आज इस दुनिया से चला गया। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। सुल्तान मौसम, अब आपका क्या हुक्म है? हम आइन के इतलाक का ऐलान करेंगे पाशा। सुल्तान मौसम, आपने तो कहा था ये मुनासिब वक्त नहीं है। हम मजीद कोई जान कुर्बान करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम अपनों को ही कत्ल करने के दर पे है। आप जाकर उन्हें बता दीजिए कि हम आइन के इतलाक का ऐलान कर देंगे ताकि फसादात रुक जाएं। लेकिन
उनको ये भी बता दीजिए कि अब हम नताइज के जिम्मेदार नहीं होंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताने मासूम। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। दस्तावेजात तैयार करवाइए। जो हुक्म सुल्ताने मासूम। मैं अलविदा कहने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई, आपको नहीं जाने दूंगा मैं। मस्जिद बहस की जरूरत नहीं, मैं पहले ही परेशान हूं। क्या हुआ है बताओ? शमसी पाशा शहीद हो गए हैं। खुदा का कहर हो, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था नजीब। मुझे इस वक्त वहां होना चाहिए था। भाई रुक जाए, अब तो मुझे रोक नहीं सकते। भाई, सुल्ताने मौजम ने सख्ती से हुक्म दिया है, आप बाहर नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुक जाए, वरना मुझे दूसरे तरीके से आपको रोकना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो नजीब? रियासत का पाशा होने की हैसियत से सुल्ताने मौजम का हुक्म मानना मेरा फर्ज है। मैं आपको इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। जरूरत पड़ी तो आप पर गोली चलाऊंगा। भाई सुल्ताने मौसम, यह है आइन के इतलाक का हुक्मनामा। जब हम तख्तनशीन हुए तो हमने सोचा कि आइन की बालादस्ती करते हुए हुकूमत करेंगे। नामिक कमाल साहब, जिया पाशा और उन जैसे साबका सियासतदानों का मानना था कि आइन में ही रियासत की बका और दवाम है। हम तख्तनशीन हुए और आइन का इतलाक किया। फिर 93 की जंग हुई, बहुत तबाही हुई। फौज हमारे बस में नहीं थी, सियासत हमारे बस से बाहर थी। रियासत पर हमारे चचा अब्दुल अजीज खान को कत्ल करने वालों की हुक्मरानी थी। जंग में भी उन्हीं की चली। नतीजा यह हुआ कि मजलिस कानून साज में से ही रूसियों को मालूमात फराहम करने वाले गद्दार निकले। वो मजलिस कानून साज जो सबकी उम्मीद थी, वही रियासत की तबाही का सबब बनी। हमारी फौज को एक बुरी शिकस्त का सामना हुआ। रूसी फौज यशी किले तक पहुंच गई। आखिर सुलह का मुआहदा हुआ। अब कुछ लोग सिर्फ हमें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जैसे वो सुलह का मुआहदा हमने किया हो, जबकि वो मुआहदा हमारे चचा अब्दुल अजीज खान को माजूल करने वालों ने किया था। वो इंतहाई सख्त मुआहदा था। हम बलकान से महरूम हो रहे थे और रूसी अर्ज रोम तक पहुंच गए थे। इस मुआहदे के मुताबिक रोमानिया, सर्बिया और करदान हमारे हिस्से में आए, मगर सरहदों की तौसी के बाद एक अजीम बल्गारवी रियासत कायम होने को थी, जिसकी सरहदें तुना से इगे और तरकिया से अल्बानिया तक फैल जानी थी। इसालिया यूनान के हिस्से में आया। कार्स, आर्दान, बतुम और दो बेअजत को रूस में शामिल कर दिया गया। मुख्तसर यह कि पूरे रोमेलिए पर कब्जा होने को था। हमने बर्तानिया को रूस के खिलाफ कर दिया और नतीजे के तौर पर बर्लिन का मुआहदा हुआ। हमने अपने कितने ही इलाके वापस ले लिए, मगर अब भी इनका कहना है कि हम अपनी सरजमीन खो देंगे। ये वो वक्त था जब हुक्मरानी हमारे हाथ में नहीं थी। बाद में हमने रियासत के देरपा इस्तेहकाम के लिए मजलिस कानून साज खत्म कर दी।
अब इन लोगों का कहना है कि रियासत की बका मजलिस कानून साज और आइन के इतलाक में ही पोशीदा है। इनकी मर्जी फिर, जैसा ये चाहें। हम मोहर लगा देते हैं, इंशाल्लाह ये फैसला सबके हक में खैर वाला हो। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। आपको माजूल किया जाता है। के पाशा मेरी बात सुनिए। जाओ यहाँ से। तहसीन पाशा, जाओ यहाँ से। पाशा मैं हुलूसी हूँ, जिसको आपने अपना रोजनामचा भेजा था। मैं सहाफी हूँ, आपके लिखे वाकयात की तस्दीक करने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ कैसे पहुंचे तुम? जुबैर साहब ने बताया था कि आप यहाँ हैं। आपके पुराने दोस्त। सच कहूं तो मुझे काफी हैरत हुई पाशा, मैं तो आपको काफी खुश मिजाज समझता था। पाशा आपकी ये यादें काफी कीमती हैं, आप ये किसी भी मशहूर सहाफी को भेज सकते थे, तो आपने मेरा इंतखाब क्यों किया? क्योंकि आजकल कोई सहाफी ऐसा पुराना कोट पहने नहीं फिरता। मैं एक बात के बारे में काफी मुतजस्सिस हूं, क्योंकि ये मालूमात शाया करना बहुत जरूरी और अहम है। पाशा वैसे आपने ये सब लिखने का फैसला कब किया? जिस दिन मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको इस जिम्मेदारी से माजूर किया जाता है पाशा। माजरत चाहता हूं सुल्तान मौसम, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या मुझसे अनजाने में कोई कोताही सरजद हुई है? नहीं पाशा।
तो क्या मैंने कोई बेअदबी की है सुल्तान मौसम? नहीं। तो फिर सुल्तान मौसम, आप मुझे अपनी रियासत, अपनी काम और अपनी खिदमत से क्यों रोक रहे हैं? मुझे माजूल मत कीजिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए सुल्तान मौसम। इंसान अगर एक काम से फारिग हो तो वो कोई नया काम शुरू कर सकता है पाशा। हमने आपको खिदमत से तो नहीं रोका है, आप हमारे लिए अपना काम जारी रखेंगे लेकिन किसी और तरीके से। तहसीन पाशा, आज से आप तारीख कलम बंद करेंगे। हम तमाम मालूमात और वकु पजीर होने वाले वाकयात आप तक बर वक्त पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपसे रब्ते में रहेंगे। सुल्तान मौसम, आप महल से अपना सामान समेट लीजिए। सुल्तान मौसम, मुझे ये जिम्मेदारी मत दीजिए, मुझे दूर मत कीजिए खुद से, मैं आपकी रफाकत में रहूंगा। तहसीन पाशा, ये हमारा हुक्म है। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हम चाहते हैं कि आप इस कौम के आने वाले वक्त के लिए हकीकत कलम बंद करना शुरू कर दें। आप हमारे बारे में लिखेंगे, हमारे कामों के बारे में सबको आगाह करेंगे। हमें डर है कि आने वाला वक्त हमें तारीख के सफात से मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं होने देंगे। अब ये आपका फर्ज है तहसीन पाशा, आप हमारे सबसे वफादार और बेहतरीन दोस्त हैं। अल्लाह आपको जजा दे, हम पर अपना हक माफ कर दीजिएगा। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मौसम, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको माफ करूं सुल्तान मौसम। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। हमने माफ किया, हम आपसे राजी हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दरवाजा खोलिए बेटा, याद मुझे हिम्मत दे, इस जुदाई को बर्दाश्त करने की ताकत दे मुझे। मैं हमेशा सुल्तान मौसम की खिदमत में लगा रहा, अब मेरे ये कमजोर कदम मुझे कहां ले जाएंगे? ये दरख्त, ये परिंदे, ये दरो दीवार सब मुझसे खफा होंगे कि मैंने आपको गद्दारों और दुश्मनों के दरमियान अकेला छोड़ दिया सुल्तान मौसम। अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आपका हर रास्ता आसान हो।
मैं खुद तो यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जहन, मेरा दिल, मेरी सोच और मेरी दुआएं हमेशा यहाँ होंगी, सुल्तान मौसम के साथ। यानी आपने जिम्मेदारी समझकर ये सब कुछ लिखा? हम हर काम जिम्मेदारी समझकर करते हैं। जो भी हमारी रियासत और कौम के लिए बेहतर साबित हो, चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तहसीन पाशा। सुल्ताना, क्या आप हमें अलविदा कहे बगैर ही जाने वाले थे? माजरत चाहता हूँ सुल्ताना, मैं बस अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, उम्मीद थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। हो सकता है आपकी रवानगी के वक्त हम यहाँ मौजूद ना हो। कल आलिया और हम बुरसा वापस जा रहे हैं। खिजा के पत्तों की तरह सब एक एक करके महल से जुदा होते जा रहे हैं। अल्लाह आपका रास्ता आसान करे। आमीन। हम आपका हक अदा नहीं कर सकते पाशा, चिरान में भी और यहाँ भी आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची तो माजरत। हम जानते हैं कि हमने काफी गलतियां की हैं। बाजी ने हमेशा हमें समझाने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं, आप दोनों मुराद साहब की बेटियां हैं। सुल्तान मुअज्जम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो बस सुल्तान मुअज्जम के अहकाम बजा लाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह आप दोनों के नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मंजिल भी आसान करे तहसीन पाशा। अब मेरी कोई खास मंजिल नहीं है फातिमा सुल्तान। मैंने तो अपनी जिंदगी इस महल और सुल्तान मौसम के नाम वक्फ कर दी थी। अल्लाह ताला आपको हर सफर में कामयाब करे तहसीन पाशा। आपको दोनों जहानों की खुशियां नसीब हो इंशाल्लाह। ये तोहफा सुल्तान मुअज्जम ने खुद तैयार किया है और हम जानते हैं कि ये उन्होंने कितनी मोहब्बत और मेहनत से बनाया है। यहाँ आने से पहले हम इस तोहफे को देखकर सुल्तान मुअज्जम को याद किया करते थे, सोचते थे कि इस तोहफे को तैयार करने में सुल्तान मुअज्जम ने कितनी मेहनत, कितना वक्त सर्व किया होगा अपना। हम सुल्तान मुअज्जम को नहीं देख पाते थे, लेकिन इस डब्बे को देखकर हम खुद को तसल्ली देते थे कि उन्होंने अपना कितना वक्त, मेहनत और मोहब्बत से डब्बा बनाकर हमें तोहफा दिया। अब हम सुल्तान मुअज्जम की इजाज़त से ये डब्बा आपको तोहफे के तौर पर पेश करना चाहते हैं तहसीन पाशा, ताकि आप भी इस डब्बे को हमारी तरह देखकर खुद को तसल्ली दे सकें। ये शायद आपकी जुदाई की तकलीफ को कुछ कम करे और आपके दिल को तस्कीन दे। सुल्तान, सुल्तान, ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। आप हमेशा सुल्तान मौसम की रफाकत में रहें। आमीन। कहा सुना माफ कीजिएगा। माफ किया आप भी। बाबा, बाबा, बाबा। मैं सुल्तान की नजरों में एक गद्दार की तरह हूं, लेकिन मैं उसे
ऐसा पैगाम भेज रहा हूँ जिससे वो समझ जाएगा कि मैंने अभी हार नहीं मानी। सुल्तान मौसम, आप ठीक तो हैं? पाशा, यिल्दिज मस्जिद की सहन में बहुत से लोग जख्मी हैं और हम जोरिस को रियासत के मफाद के लिए रिहा कर रहे हैं। बताइए, क्या ये बड़ी बात नहीं कि जो आदमी हमारा कत्ल करने आया था अब वो हमारे लिए काम करेगा, हमारा जासूस होगा वो। हम दीन इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान हैं। मर जाएंगे लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं होने देंगे। माफ कीजिएगा। निकल जाओ।